नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। आज मैं बनाऊंगी बेबी पोटैटो के साथ अंडा करी। तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी को मैं किस तरीके से बनाती हूँ। पहले मैंने यहाँ पर अब जो बेबी पोटैटो है वो और यहाँ पर अंडा एक साथ मैंने बॉईल कर लिया है। उसके बाद मैं अंडे को मैरिनेट करूँगी हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून नमक के साथ। मैरिनेट करने के बाद मैं इसे मस्टर्ड ऑयल में फ्राई कर लूँगी। अब हम अंडे को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अंडे को फ्राई करने के बाद इसी तेल में हम कढ़ी बनाएंगे। जो तेल हमारा बचेगा उसी तेल में हम कढ़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले हम अंडे को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए अंडा जो है मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब उसी तेल में मैं 3 तेज पत्ता और हाफ टी स्पून जीरा ये ऐड करूंगी। करके थोड़ा सा ही जस्ट भूनना है। हल्का सा भूनने के बाद इसमें मैं जो छोटे आलू हैं वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। करके 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम देके इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये रेसिपी बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। 2 मिनट तक इस आलू को हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हमें एक मसाला तैयार करना है। यहाँ पर मैंने एक टमाटर, कुछ अदरक और हरी मिर्च और थोड़े बहुत लहसुन, इसका हमें अच्छे से एक फाइन पेस्ट तैयार करना है, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। करने के बाद हम क्या करेंगे, हाई फ्लेम में इस मसाले को और 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। आप जितना मसाले को भूनोगे उतना ही जो खाने में स्वाद बढ़ता है, क्योंकि इससे जो है जो आप मसाले दे रहे हो उसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल दूर हो जाता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। जितना आप मसाले को चलाते हो उतना ही ज़्यादा स्वाद इसका बढ़ता है। उसके बाद 2 मिनट के लिए हम इस मसाले को भूनने के बाद मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च बीच से कट करके ऐड किए हैं। अगर आप तीखा कम खाते हो तो आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार मैंने नमक ऐड किया है। करने के बाद अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके फ्लेम को बिल्कुल लो करना है। लो करके 2 मिनट के लिए और हम इसे अच्छी तरीके से पका लेंगे। दो मिनट के लिए हम मसालों के साथ आलू पकाने के बाद अब हम इसमें जो अंडे को हमने फ्राई करके रखा था उसको हम देखे बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ही कम थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे। करके 3-4 मिनट तक आप इसे ढक के बिल्कुल लो फ्लेम में इसे एकदम रख दीजिए। 4 मिनट के लिए हम ढक के इसी तरीके से पकाएंगे इसको। चार मिनट बाद देखिए ये मसाला जो है अच्छे तरीके से पक चुका है। अब हम इसमें करीबन 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके फिर से हमें इसे ढक के 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से उबाल लेना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के और भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, जो सब्जी है वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसे अलग निकाल लेंगे। ये देखिए ये जो बेबी पोटैटो के साथ अंडा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आज का ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द फिर आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्ते।